हेलो फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। और जय श्री श्याम का मतलब आप समझ गए होंगे कि आज मैं जा रहा हूं अपनी रेंज रोवर वॉक के साथ में खाटू श्याम जी। जी हाँ दोस्तों, आज खाटू श्याम जी का बिल्कुल आपको पूरा रास्ता दिखाऊंगा और साथ ही साथ उनके बारे में आपको बताता भी रहूंगा। तो दोस्तों बड़ा मज़ा आ रहा है और अच्छी लग्जरी लाइफ जीने का मौका मिल रहा है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मैं जा रहा हूँ आज अपनी रेंज रोवर के वॉक के साथ। जी हाँ दोस्तों, रेंज रोवर वॉक के साथ जा रहा हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त दिलीप सिंह राठौड़, AWPL एम्बेसडर, मोटल स्प्रिंट बिजनेस कोच। दोस्तों आज मैंने सोचा कि यार क्यों ना खाली मतलब बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी, लो हरि का नाम। तो ऐसा मेरे मन में ख्याल आया कि यार बैठे बैठे क्या कर रहा है दिलीप, चल कोई वीडियो बनाते हैं। तो मैंने सोचा यार खाटू श्याम जी जा रहे हैं, चलो यार यहाँ से शुरुआत करते हैं, खाटू श्याम जी का वीडियो बनाते हैं, साथ में रास्ता भी दिखाते हैं, कुछ अपनी जर्नी के बारे में बताते हैं, लाइफ के बारे में बताते हैं। तो ऐसा मेरे मन में विचार आया, तो चलो मैंने प्लानिंग किया फिर आपको समझाने के लिए, बताने के लिए। तो बड़ा अच्छा लग रहा है आपको ये बताते हुए, और मुझे भी अच्छा लगेगा, शायद आपको भी सुनने बहुत अच्छा लगेगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप जब इस लास्ट तक इस वीडियो को देखोगे, आपके अंदर खाटू श्याम जी की जो यात्रा है उसको लेकर और ज़्यादा उत्साहित, रोमांचित होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ के चमत्कार के बारे में बताऊँगा, और साथ ही साथ इस बड़े से प्यारे से एक जो वे है, रूट है, पाथ है, रास्ता है, इसके बारे में आपको समझाता रहूँगा। तो बने रहिए मेरे साथ, और अभी दिखाता हूँ आपको मैं रेंज रोवर वॉक का नज़ारा। तो ये है पीछे वाली सीट, और पीछे वाली सीट के बीच में कंसोल लगा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। इधर एक सीट से मैं बैठा हूँ, यानी कि रेंज रोवर वॉक में आगे भी दो सीटें हैं जिसमें एक ड्राइवर है और एक साथ में एक सीट और बैठी है पैसेंजर के लिए, पैसेंजर सीट है। और पीछे भी दो सीटें आपको दिखाई दे रही है, यानी कि रेंज रोवर वॉक वैसे 3.5 करोड़ की गाड़ी है और ऑटोबायोग्राफी है, पर 4 सीटर है यार। वैसे यार मतलब मज़ा तो नहीं आता 4 सीटर में, क्योंकि अगर 5 दोस्त हो जाते ना फिर एक को कहाँ बैठाए। पर वैसे देखो तो मज़ा बड़ा आता है, मज़ा इसलिए आता है कि बीच में कंसोल लगा हुआ है, तो बड़ी आरामदायक फीलिंग आती है। तो इसमें बड़ी आरामदायक फीलिंग आती है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो सीटें हैं ना, इस सीटों के अंदर वो मसाजर लगे हुए हैं, रोलर लगे हुए हैं, इसीलिए 4 सीटर बनाई है। तो मसाजर रोलर से क्या होता है कि आपकी अगर आप थक जाते हो, आप कोई सी भी सीट पे हो, चाहे ड्राइवर सीट पे हो, चाहे पैसेंजर सीट पे हो, आगे वाली पे हो, पीछे वाली पे हो, चारों को चारों सीटें हैं भैया, बड़े मज़ेदार सीटें हैं यार, गजब मज़ा आ जाता है। रोलर लगा हुआ है, बड़ी मसाज हो जाती है, ऐसे थकता नहीं इंसान ना, चाहे कितनी लंबी ड्राइविंग कर लो। मैंने 8-8 घंटे जर्नी भी करी, 10-10, 12-12 घंटे जर्नी करी है, मुझे महसूस ही नहीं होता कि 10-12 घंटे भी हम इसमें ड्राइविंग कर रहे हैं। तो इसमें मसाज का बड़ा आनंद दिया हुआ है। तो मसाज के पूरे पॉइंट आपको दिखाता हूँ, देखो ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पूरे पॉइंट है। ये तो पहले टेम्परेचर है, आपकी सीट का अलग टेम्परेचर है, इधर अलग पैसेंजर अलग टेम्परेचर है, यानी कि जिस पैसेंजर को जिस भी सीट पे बैठना है उसका जैसा टेम्परेचर उसको चाहिए, कितना ठंडा कितना गर्म चाहिए, अपने हिसाब से, अपनी लाइफ के हिसाब से, अपनी लग्जरी जिंदगी के हिसाब से अपने आप को सेट कर सकता है। मुझे देखो जैसे मैंने कर रखा है, मुझे 16 पे चाहिए, तो मैंने 16 टेम्परेचर कर रखा है। मैंने बाजू वाले के 16 कर रखा है, हालांकि सीटें खाली पड़ी है, कोई है नहीं है, फिर भी मैंने 16 टेम्परेचर कर रखा है। साथ में देखो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये पॉइंट, ये मसाज के पॉइंट है, ये ऑटो है, ऑटोमेटिक हो जाएगी, और इसका आपको दबा के आपके हिसाब से कौन सा रोलर कौन सा करना है। साथ में देखो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये पॉइंट छोटे छोटे, ये जो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं ये भी मसाजर के जो पॉइंट है, कि आपको बैक का चाहिए, डाउन का चाहिए, अप का चाहिए, नीचे से ऊपर चाहिए, ऊपर से नीचे चाहिए, कौन सा पॉइंट कहाँ से दबाना आपका, मतलब पीछे बैक एंड का, यानी कि नीचे से रोलर ऐसे ऊपर की तरफ घूमेंगे, ऊपर से ऐसे नीचे घूमेंगे, मेरी बात समझ रहे हैं ना, एंटी क्लॉक वाइज घूमेंगे रोलर, ऊपर की तरफ घूमेंगे, ऊपर से नीचे क्लॉक वाइज घूमेंगे। तो इसमें दोनों साइडों के सिस्टम दिए हुए ऐसे, सेम इसी सीट के ऊपर दिए हुए, ऐसे सेम सेट आगे के दिए हुए, तो बड़ा अच्छा लग रहा है यार, बड़ा मज़ा आ रहा है। और साथ दोस्तों बताऊँ, इसमें एक फ्रीजर भी है, ये देखो पीछे फ्रीजर है, साथ में चार्जिंग पॉइंट वगैरह लगे हुए हैं, और ये बड़ा फ्रीजर का, यहाँ पे आप ठंडी बियर शियर या ठंडा कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक जो आप पीते हो, हालांकि मैं तो बियर पीता नहीं यार, मैं कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीता यार, मैं इसलिए पे इसमें काम करता हूँ, तो फिर मैंने खाली रख रखा है फ्रिज को, मैं जरूरत नहीं पड़ती। फ्रीजर ऑन ऑफ करने के लिए बटन दिया हुआ है, आपको ऑन करना है। यहाँ पे SUV दी है, और यहाँ पे 2 पॉइंट और दिए हुए हैं यहाँ के ऊपर, ये जो HDMI पॉइंट है, दोनों ये दोनों HDMI पॉइंट इसलिए दिए हुए हैं, आप TV पे क्या देखना चाहते हो यार। देखो यार मैं तो नहीं इतना शौकीन नहीं हूँ यार इन चीज़ों का, किस ये देखने का, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं, थोड़ा सा काम ऐसा ही है, पब्लिक का प्यार मिलता है, उनके फ़ोन आ जाते हैं, बात करने में, कुछ वीडियो बनाने में टाइम निकल जाता है, तो मैं इतना शौकीन नहीं हूँ। पर हाँ जब बच्चे अच्छे बैठते हैं तो इसे बड़ा मजा लेते हैं, इन्जॉय लेते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आपको सामने दिए हुए, तो आप HDMI, अगर आपको HDMI केबल नहीं तो आप केबल का आप वो लगा सकते हो, क्या पेन ड्राइव लगा सकते हो, ये दोनों पोर्ट पेन ड्राइव के दिए हुए हैं, साथ में चार्जिंग लगा सकते हो मोबाइल का, सही। और यहाँ पे मोबाइल खड़ा भी कर सकते हो इस तरीके से, आप इस ये जो बॉक्स दिखाई दे रहे ना आपको, इसे मोबाइल ऐसे स्टैंड की तरह खड़ा करके आप यहाँ पे छोड़ भी सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। बाकी अभी देखो मैं डाउन कर लेता हूँ, मुझे तो कंसोल की ज़रूरत है भैया,
ठीक है। और आगे चलते हैं, यहाँ पे स्टोरेज दिए हुए हैं आपको, छोटा मोटा स्टोरेज। देखो मैंने अभी यहाँ पे सैनिटाइज रख रखा है, ऐसे कुछ भी आप छोटा मोटा रख सकते हो। मोबाइल यहाँ भी रख सकते हो, ये मोबाइल का आपका पॉइंट दिया हुआ है, मोबाइल यहाँ भी रख सकते हो। और यहाँ पे देखो आप जो है ना वो सिगरेट पीते हैं ना सिगरेट, तो सिगरेट का बटन दिया हुआ है यहाँ पे, ये सिगरेट जलाने के लिए आपको, जो भी सिगरेट विगरेट जलाते हो। हालांकि मैं तो यार देख सिगरेट कभी पीता नहीं भाई, पर ये सिगरेट का दिया हुआ है। और यहाँ पे सिगरेट की एस्ट्रे दी हुई है, बताया ना देखो एस्ट्रे। और ये आपका वही कितना आपको एयर का फ्लो चाहिए, आपका लेफ्ट का अलग राइट का अलग, जो भी आपको चाहिए उस हिसाब से। और एक स्टोरेज यहाँ भी दिया हुआ है, हालांकि यहाँ पे मैंने स्पीकर रख रखे, ये जो ये है ना क्या बोलते हैं इसे, ये LED इसके स्पीकर हैं, ये हेडफोन स्पीकर है, आप इसको लगा के और अपने हिसाब से आप गाने वाने चूज कर सकते हो। तो ये बड़ा ही प्यारा नज़ारा है यहाँ पे। और ये भी इसको थोड़ा बंद कर देता हूँ। और यहाँ पे अपने बुक्स वुक्स डाल सकते हो, आप डालना चाहो तो अखबार न्यूज़पेपर को डाल सकते हो, उनका अलग दिया हुआ है। इधर चलते हैं साइडों में, इधर पीछे एसी कम करना पीछे वाले, अच्छा हो गई ओपन आप हो गई, चलो ठीक है। अच्छा ओके, इसमें सबसे बड़ी बात क्या पता है क्या, शीशों के ऊपर जो फिल्म है ना, फिल्म ये ऑटोमेटिक डाउन कर सकते हैं। देखो एक बार दबा दिया ये डाउन हो गई, ये बिल्कुल शीशा है, अभी देखो ये देखो शीशा लग गया। और आप फिल्म लगानी है तो यहाँ से बटन दबाओ, एक बार क्लिक करो तो ऊपर आपको आप फिल्म आ जाएगी ऊपर। तो इसमें ये नज़ारा जो है ना अल्टीमेट है, फिल्म लगाओ अपने कुछ भी करो। और ये जो लाइट में टच स्क्रीन वाली देखो ना, इसको टच कर दो और बंद हो गई, जैसे होता है ना प्लेन में होती है, ऐसे प्लेन में टच कर दो चालू हो जाती है। साथ में स्पीकर दिया, स्पीकर तो पूछो मत यार, बहुत सारे स्पीकर है, 32 स्पीकर है, 32 स्पीकर इसके अंदर, मतलब 16 आगे है 16 पीछे है, मतलब इतने स्पीकर देखो आप देख रहे हो। देखो ये स्पीकर और नीचे अंदर दबे हुए स्पीकर हैं, सीट के पीछे स्पीकर, ऊपर है नीचे, चारों तरफ स्पीकर दिए हुए हैं। और इसी तरीके से इसके अंदर है ना तो क्या बोलते हैं एयरबैग तो पूछो ही मत, एयरबैग इसके अंदर 32 एयरबैग है आगे पीछे चारों तरफ मिला के। यानी यार कितनी गाड़ी ठुक जाए ना, कितनी भी एक्सीडेंट हो जाए, कितना ज़बरदस्त लग जाए ना बंदे, कुछ भी नहीं हो सकता भाई। इतनी ज़बरदस्त गाड़ी बना के दिया यार बनाने वाले भाई। देखो पैसा तो लेते हैं रेंज रोवर वाले ना, पर यार पैसा वसूल हो जाता है यार, मज़ा जाता है, तो अल्टीमेट चीज़ है। और साथ ही साथ ना भाई देखो ये है ना यहाँ के ऊपर इसके चाइल्ड लॉक और ये डोर लॉक, प्लस ये आप देख रहे हैं M123 है, ये आपकी सीट की पोजीशन है। यानी कि कोई भी इंसान सीट बैठता है अपने आप से एक बार एडजस्ट कर लो, और एक नंबर पे सेट कर दो, दो पे कर दो, तीन मैनुअल कर दो, जो करना कर दो। आप कोई सीट कोई भी छेड़ दे, आपका बच्चा छेड़ दे, कोई ड्राइवर छेड़ दे, कोई भी छेड़ दे ना, आपको टेंशन नहीं। जब भी आप सीट पे आओगे अपना एक नंबर दबा दो, जो सीट आपकी एडजस्ट थी वहीं की भी आपकी सीट अपने आप सेट हो जाएगी। तो ये बड़ा अच्छा गजब का फीचर है। और साथ साथ में ये आपका बाहर हैंडल है खोलने के लिए, और यहाँ भी देखो कुछ रखने के लिए बनाया शायद मेरे ख्याल से, हाँ यहाँ पे कुछ बुक्स वुक्स रख सकते हैं अपन अलग से, तो ये बनाया गया है। साथ में यहाँ पे बोतल के लिए बनाया गया है, तो ये बहुत प्यारी लग्जरी कार है, ऐसे ही उधर बनाया गया है। और ऐसे ही दोस्तों आगे के फीचर्स है, आगे के फीचर भी देखो यहाँ पे इस कंसोल के नीचे भी आपके साथ क्या दिया गया, एक फ्रीजर दिया गया, फ्रीजर बहुत प्यारा फ्रीजर है। और आगे भी इसमें दो जो है कि आपके सीटें दी गई, सीटों के साथ में सेम जैसे पीछे फीचर थे वैसे आगे फीचर है, वैसे आगे स्पीकर लगे हुए हैं। और दो ये ग्लोव बॉक्स है, इसमें दो ग्लोव बॉक्स है, एक ऊपर एक नीचे। तो यहाँ पे जो शूज़ दिखाई दे रहे हैं ना, ये ऊपर नीचे का खोलने के लिए बटन दबाओ, अपने आप नीचे खुल जाएगा। बाकी LED जो सिस्टम है पूरा, ये मुझे भी खुद को नहीं पता यार कितने सारे इसमें फीचर्स हैं, मैं तो हैरान रह जाता हूँ। इसका ये गियर है ऊपर, जो नोब ऊपर आ रखी है घुमाने के लिए, 1 2 3 4 अपने आप लग जाते हैं गियर। इसमें 8 गियर है, पता लगता नहीं यार कितना गियर है। ऊपर वही सेम टच वाली जैसे एयर में होती है टच की, वो लाइटें हैं, प्लस वो आपका मीटर है आगे, सेम सिस्टम ऐसे जैसे होता है वैसे बाकी सब सिस्टम है। पर एक बात है यार, है लग्जरी गाड़ी यार, मज़ा आता है सब भगवान का सब। और इतनी प्यारी गाड़ी है ना, ऊपर देखो रूफ टॉप छत भी है, रूफ टॉप मतलब इसमें सन जो होते हैं ना, सनरूफ और मून रूफ दोनों छत हैं। सनरूफ मून रूफ मतलब है कि आप भूपेंद्र एक बार खोलना यार, या सनरूफ को खोलना है एक बार, ये देखो अभी हम इसकी जो खुल रही है अभी मून रूफ खुल रही है। मून रूफ का मतलब है कि आपका शीशा हट रहा है, ऊपर से चांद की रोशनी आपको दिखाई देती रहेगी, ठीक है। तो चांद की रोशनी के लिए ऊपर आपको अभी चांद बादलों में छुपा हुआ है, अलग बात है। बाकी ये देखो डबल है यार, डबल शेड। वैसे बाकी आम गाड़ियों में ना सिंगल शेड होता है, पर इसमें डबल शेड है। और इसी तरीके से ना इसमें सनरूफ है, सनरूफ भी खोलना भाई भूपेंद्र एक बार, बड़ा प्यारा सनरूफ इसका भी। ये देखो ये एक बार फिर बटन दबाएगा, देखो जैसे सनरूफ खुलने लग जाता है, वो सनरूफ पीछे 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 आ गया। तो बाहर का नज़ारा लेने के लिए एक सेफ्टी इसमें जाली भी लगाई गई है ऊपर से आगे से, कि फालतू को डस्ट वस्ट अंदर ना आए। हालांकि सेफ्टी की जाली लगाई गई ये वाली, और बाकी सनरूफ के ऊपर आ गया। वापस बंद करते हैं भाई भूपेंद्र, क्योंकि यार टेम्परेचर है ना थोड़ा सा डाउन हो बिगड़ जाएगा अपना, तब ज़्यादा गाड़ी अंदर ठंडी ऊपर बाहर गर्म है तो हमारा मामला सेट नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने खाटू श्याम जी रास्ते की तरफ। तो ये प्यारी गाड़ी थी दोस्तों, और इसके बड़े फीचर्स और भी हैं इसमें,
मतलब 4400 सीसी का इंजन है, यानी कि 4400 सीसी का इंजन है दोस्तों। और इसमें है ना यार 8 सिलेंडर है, 8 सिलेंडर जो ट्रक में होता है ट्रक के अंदर, भाई ट्रक वाला इंजन इसके अंदर है यार। कितनी पावरफुल गाड़ी बनाई है, भगवान का सब मज़ा आ जाता है यार गाड़ी में। कहीं मतलब बंदे का ना पेट, बोलते ना पेट का पानी नहीं हिलता, ये सब कहने की बात है भाई, पर इस गाड़ी में पेट का पानी नहीं हिलता बिल्कुल भी, सच बात तो ये है। इतना प्यारी प्यारी गाड़ी बनाई है तो भाई, रेंज ओवर वॉक के तो भाई अलग ही नज़ारे हैं, सुपर वाला नज़ारे हैं। हम तो सोच भी नहीं सकते भाई। पर हमने देखा कि यार देश का प्रधानमंत्री चलता है, यार देश का प्रधानमंत्री मोदी साहब यार गलत नहीं हो सकता भाई। वो अगर वो रेंज ओवर वॉक में चलता है इसका मतलब कुछ तो गाड़ी के अंदर है यार, बुलेट प्रूफ गाड़ी है, चारों तरफ से साला कोई भी फायर करे अंदर गोली नहीं आ सकती इसमें, सीसीटीवी सारे बुलेट प्रूफ है। और इसकी डिग्गी भी बहुत बढ़िया भाई, पीछे है ना डिग्गी तो अल्टीमेट है भाई, मज़ा आ गया डिग्गी विग्गी सब देख के ना भाई। देखो यार 3.5 करोड़ रुपये तो लगते हैं यार रेंज ओवर वॉक के ना, पर 3.5 करोड़ के वॉक वसूल हो जाते हैं यार, मतलब अल्टीमेट है। और इसके स्पीकर भी है ना बहुत गजब के यार, मेरिडियन के स्पीकर, देखो मेरिडियन के सर ऐसे गूंजते हैं ना, मतलब मज़ा आ जाता शानदार वाला मज़ा आ जाता है। तो अल्टीमेट गाड़ी है और इंजन तो बहुत पावरफुल है, मैं तो ये कहता हूँ भाई, अगर एक बार ट्रक पर टक्कर मार दी ना, ट्रक की सलाह चाके दम पीछे ले लेगा, अपनी रेंज रोवर चाके दम पीछे नहीं लेगी भाई। ऐसी गाड़ी बना के दी है रेंज रोवर वो बड़ों ने, तो भाई सलूट है भाई इस रेंज रोवर बनाने वालों को भी। पर अब तो रेंज रोवर टाटा की होगी भाई, अपने देश की होगी तो कोई टेंशन वैसी भी नहीं है। अपने देश का नमक खाते हैं तो मज़ा आता है कि अपने देसी गाड़ी चलाते हुए। और टाटा भी कमाल करता है यार, है ना, रेंज रोवर को भी खरीद लिया बताओ, है ना, क्या मतलब क्या टाटा ने बढ़ाया यार। इसीलिए टाटा बोलते हैं टाटा का नमक से लेकर लोहा तक बेच रहा, तो भाई सही बेच रहा है नमक से लोहा तक, तभी टाटा टाटा बन पाया यार, हम ही रह गए भाई। पर कोई बात नहीं भाई, हमारे पास भी तो रास्ता है, हम भी तो बन जाएंगे। चलो ठीक है, हम टाटा नहीं बनेंगे, पर टाटा से कम भी नहीं बनेंगे भाई आज, ठीक है। और ये बड़ी मज़ेदार है, तो अब चलते हैं हमारे अगला डेस्टिनेशन खाटू श्याम जी की तरफ चल रहे हैं। देखो खाटू श्याम जी क्या है ना भाई यार, ये जयपुर से है ना लगभग 85 किलोमीटर, यानी 85 किलोमीटर है, तो लगभग 65 किलोमीटर के आसपास रिंगस है, और 65 किलोमीटर आसपास रिंगस है, और रिंगस से फिर 17 किलोमीटर पैदल यात्रा है। हालांकि पैदल तो लोग जाते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी जाते, तो नहीं जाते उनके लिए गाड़ी अपने लेके जाओ कोई दिक्कत नहीं है। पर इसका खाटू श्याम जी जो मेला होता है ना फागुन में होता है, तो फागुन के मेले के अंदर तो भाई पैदल जाते हैं 99% लोग। हालांकि फागुन के मेले में तो लोग दूर दूर से, कलकत्ता से भी भाई, मैं तो हैरान रह गया सुन के, कलकत्ता से लोग पैदल आते हैं, कलकत्ता से दिसंबर में यात्रा चालू करते हैं वो, और मार्च में पहुंचते हैं यहाँ से कलकत्ता से, कितनी दूर है कलकत्ता से, बेंगलोर से, हैदराबाद से, चेन्नई से, पता नहीं कहाँ कहाँ, गुजरात, अहमदाबाद, दिल्ली विल्ली, तो पता अनलिमिटेड है भाई, मतलब अरे भाई क्या चमत्कार है बाबा का, मानना पड़ेगा। इतनी दूर से लोग पैदल आ जाते हैं यार, कैसे आ जाते हैं यार, हमारे को बोले ना यार 1 किलोमीटर चलना, तो हमारे ऐसे पता नहीं क्या हो जाता है यार, सांसें थम जाते हैं यार, 1 किलोमीटर पैदल जाना है। पर भाई बाबा के नाम पे तो लोग है ना 300-400 किलोमीटर पैदल आते जाते हैं भाई, तो बड़ा चमत्कार है खाटू श्याम जी का। तो खाटू श्याम जी का तो मैं बता रहा था ना आपको, पैदल यात्रा 17 किलोमीटर है, वहाँ से तो बहुत लोग करते ही करते हैं, और मेले में तो हर आदमी करता है मेले के टाइम में, क्योंकि वो तो रोड जो होती है ना तो बंद कर देते हैं एक तरफ रोड, तो और एक उसका वन वे करते थे, वन वे पैदल यात्री, वन वे ऐसे नहीं पैदल आ भी नहीं सकता बंदा, इतना अच्छा वन वे करते हैं। गाड़ी वाड़ी बाइक तो हल जाएगी नहीं, पर वैसे वन वे कर देते हैं। तो ये खाटू श्याम जी अभी तो हमने शुरू करी यात्रा, अभी तो हम जयपुर से निकले हैं, और जयपुर निकले तभी हमारे सामने अभी ये रोड है जो जा रही है रिंगस, और रिंगस से 17 किलोमीटर आगे जाएंगे खाटू श्याम जी के लिए। पर यार देख, हम तो यार आज तो ना गाड़ी लेके जाएंगे भाई, आज तो क्या है कि फागुन नहीं है ना, फागुन मेले में चलते हैं अपन पैदल, और आज तो आज आप गाड़ी लेके या जाएंगे। हाँ वहाँ पे क्या तोरण द्वार है, गेट बना हुआ है खाटू श्याम जी में ना, तो तोरण द्वार अपनी गाड़ी साइड में लगा देते हैं, तो आप पार्किंग में खड़ी कर देते हैं और फिर वहाँ से पैदल चले जाते हैं। अभी देखो मेरे सामने ना इधर टोल आने वाला है, रिंगस का टोल, रिंगस टोल बोलते हैं, हालांकि रिंगस तो ऐसे बहुत दूर रह जाता है, पर नाम पड़ गया जी रिंगस का टोल, चोमू का टोल, तो टोल बना आ गया, अभी टोल आ गया भाई, तो टोल पे चलते हैं अभी अपन। लो जी भाई ये आ गया अपना टोल प्लाजा, यहाँ पे लिखा हुआ है टोल गेट 1 किलोमीटर, देख रहे हैं आप 1 किलोमीटर टोल रह गया भाई। वैसे टोल तो बड़ा जल्दी आ जाता है यार, सब टोल तो वैसे आजकल तो क्या है कि टोल पर ज़्यादा भीड़ होती नहीं है, क्योंकि यार आजकल क्या है ना, भारत सरकार भी थोड़ा सा अच्छी सोच विचार रखती है, और जैसे फॉरेन कंट्री में होता है ना वैसे टोल फॉरेन कंट्री की तरह कर दिया भाई आजकल, फास्टैग बना के तो फटाफट गाड़ी निकल जाती है। हालांकि फॉरेन कंट्री जितना डेवलप तो नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे कई सारे लोग टोल को रिचार्ज नहीं कराते, इस वजह से वहाँ बंदा बैठा रहता है, और कई मेरे तरह होते हैं जो कि कोई आर्मी कार्ड वार्ड दिखा के भी निकल जाते हैं फ्री फोकट के अंदर, तो इसीलिए ऑटोमेटिक तो नहीं किए, बंदा बैठा है फिर भी फास्ट बहुत हो गया टोल का वो बनने से, क्या ये फास्टैग बनने से। तो ये फास्टैग आ गया भाई, और फास्टैग अपने पास में तो हालांकि चलो फौजी बंदे हैं,
₹100 में इनका आई कार्ड है, कई बार छोड़ते कई बार पैसे ले लेते हैं भाई। हम तो बोलते हैं भाई देख यार आर्मी रिटायर्ड पर्सन हूँ, जाने देगा पैसा लेगा तो वो बोलते थे जाओ भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, कोई बोलता भाई पैसा लगे तो ले ले भाई पैसे कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं भाई देखे क्या लेता है बंदा, हालांकि अपने पास में तो क्या है रिचार्ज भी करा रखा है, ठीक है ना। तो ये टोल आ गया भाई, चोमो का टोल आ गया और मेरा बैठे बैठे का मैं बोला चलो इसे बात ही कर लेते हैं एक बार। उपेंद्र दिखा दे भाई आर्मी वाला कार्ड एक, देख मान जाए तो बंदा नहीं मानेगा तो पैसे ले लेगा, क्या बोलता है देखना एक बार। बोलते ना भाई पीछे बैठे है ना आर फौजी भाई रिटायर्ड आदमी, तो ये अपना टोल प्लाजा भाई वो बोल तो रहा है, क्या बोल रहा है पता नहीं, बोल रहा है कि चलेगा नहीं चलेगा सर का। तो वो बोल रहा है किसका कार्ड है, तो उस ड्राइवर मेरा भूपेंद्र बोल रहा है जी सर का कार्ड है, कहाँ है, तो बोला पीछे बैठे है, तो बोल रहा है कि ठीक है तो अभी देखते हैं जी क्या बोलता है बंदा। अभी बोलता है छोड़ दीजिए बंदे ने यार, छोड़ दिया बंदे ने यार, बोलता ठीक है भाई थैंक यू भाई थैंक यू, उसने सूट मारा भाई बंदे ने, उन्होंने बोला जाओ भाई जाओ फौजी आदमी यार कोई बात नहीं यार अच्छा बंदा था, कहीं छोड़ देगा नहीं छोड़ते अलग बात है। चलो हम टोल क्लोज कर गए जी अभी है ना, अभी हम चलते हैं जी आगे, फिर अभी हम एक काम करते हैं चोमू के अंदर थोड़ा सा का ना खाटू श्याम जी प्रसाद ले लेते हैं यहीं से ही, क्योंकि यार खाटू श्याम जी प्रसाद लेंगे तो वहाँ पर तो क्या मिठाई ज़्यादा मिलती है, और मैं सोच रहा हूँ यार हम तो आयुर्वेदिक वाला काम वाला काम करने वाले लोग हैं, तो खाटू श्याम जी बाबा को यार कब मिठाई खिलाते रहेंगे, पापा को डायबिटीज हो जाएगी यार मिठाई खा खा के ना, तो अभी हम सोचते हैं कि यार चल आज अपन है ना बाबा को वो फ्रूट खिलाते हैं फ्रूट खाटू श्याम जी को। वैसे तो यार भगवान कुछ खाते नहीं, भगवान तो आपके क्या है कि भूख के भूखे हैं, पर एक मन में श्रद्धा होती है ना कि यार चलो भूख तो लगेगा ना बाबा के, तो मिठाई का ना सोच के फ्रूट का भोग लगाते हैं यार। तो आप बताओ क्या फ्रूट लेना चाहिए अभी, वैसे अभी आम का सीजन भी है और भी कई सारे फ्रूट है अभी प्रेजेंट टाइम है, देखते हैं चलो दुकान चलते हैं फ्रूट वाले पे। उपेंद्र भाई चोमू के अंदर रोक लेना भाई फ्रूट की दुकान के ऊपर, वहाँ पे क्या है कि चोमू में एक मंडी है फ्रूटों की, तो वहाँ पे फ्रेश फ्रूट मिलते हैं यार, जो मर्जी चाहे ले लो आप, लीची फिची अंगूर हर टाइप। देखो जी जब कुछ पैदल जा रहे हैं, देखो आपको दिखा दो, ये देखो ये पैदल यात्री जा रहे हैं जी, ये पीछे पैदल आ गए जी, ये जयपुर से चल रहा है कि खाटू श्याम जी के, अभी तो बहुत दूर है जी, पर ये तो पता नहीं कैसे कोई मन्नत मांग रखी होगी जी, तो मन्नत पूरी करने पूरी हुई होगी, बाबा ने दरबार गए होंगे मन्नत मांगी होगी, मन्नत पूरी हुई होगी तो ये जा रहे हैं ना। अभी हम चलते हैं चोमू के, चोमू उस फ्रूट मंडी में चलते हैं सब ना। लो जी भाई ये चोमू का एंट्री कर गए, और चोमू का एंट्री करते देखो भैया फ्रूट मंडी आने वाली है सामने, अभी फ्रूट मंडी आ जाएगी अभी, तो आ गए भाई चोमू के अंदर अपन। तो आज बाबा के खाटू श्याम जी बाबा ही बोलते हैं अपन तो खाटू श्याम जी को, तो खाटू श्याम जी भगवान जो कृष्ण के अवतार हैं, तो उनके भोग के लिए मैं सोच रहा हूँ मिठाई विठाई लड्डू वड्डू बेड़े वेड़े ना लेके फ्रूट ले लेते हैं, आपका विचार ये होगा जी है ना। तो अभी आपको दिखाता हूँ जी फ्रूट मंडी आ गई, तो रोड पर लगा के आ लेंगे फ्रूट मंडी, लोगों ने सारे फ्रूट ही फ्रूट देखो शाम दिखाई दे रहा है जी, ये देखो जी आपको अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को भीड़ लगी है जी, ये पूरी फ्रूट मंडी है जी है ना, यहाँ पे कहीं पर भी अपन आगे रोक ले, थोड़ा आगे ले ले यहाँ रोक ले कोई दिक्कत नहीं, ये देखो पूरे फ्रूट ही है जी यहाँ पे, अब आप जो बोलोगे फ्रूट ले लेंगे। भूपेंद्र क्या फ्रूट लें इनसे, भूपेंद्र मेरा फर्स्ट देखता हूँ तरबूजा, क्या लें आप बताओ क्या लेना चाहिए। चलो आम चढ़ाते हैं जी है ना, आंध्र आम का इच्छा है। चलो भूपेंद्र एक काम कर, ₹500 का आम लेके आ जाओ बच्चे, बढ़िया बढ़िया आम लेके आ जाओ ठीक है। वैसे तो आम का आज सीज़न है, तो आम सीज़न के हिसाब से सीजनल फ्रूट ही चढ़ाना चाहिए मेरे ख्याल से ना, आई थिंक जो मैं सोच पा रहा हूँ। ये देखो ये बंदा भूपेंद्र मेरा ड्राइवर है, ये चला गया, यहाँ पे सेब भी है आम भी है केले भी है और सीताफल वगैरह सभी चीज़ें हैं, अभी और भी दुकानें हालांकि पीछे तो आप देख पा रहे हो फ्रूट की दुकानें है। मैंने उसको आम के लिए बोला वैसे, देखो जी है ना तो आम ले लेते हैं, सामने बहुत सारी गाड़ी है, तो अभी बाबा का आज आम का ही भोग लगाते हैं सही है। तो आप बने रहना मेरे साथ है ना, और मैं क्या बोल रहा था ना आपको, बोल रहा था ना खाटू श्याम जी की चमत्कार के बारे में जी, हाँ बहुत बड़ा चमत्कार है जी बहुत बड़ा। वो मेरा भूपेंद्र अभी फ्रूट लेके आएगा ना, वो फ्रूट गाड़ी में रखने दो, प्रसाद बाबा का वो आ जाए गाड़ी स्टार्ट करेगा, फिर दिखाता हूँ जी आपको सच्चाई वाली कहानी मेरे साथ जो घटी है। देखो जो पूरी आम की पेटी ले रहा है, जो बोला 500 एक पेटी दे दो जी भाई साहब, तो एक पूरी पेटी तो लवा रहा उधर खड़ा देखो वो दिख रहे हैं। तो अच्छा ड्राइवर है बंदा भूपेंद्र ना, मैं करूँ ड्राइविंग, मैं चलाता हूँ ठीक है। आप देखो इस गाड़ी का मैं खूबी दिखाता हूँ आपको एक और, जैसे इस गाड़ी का मैं खोलूँगा ना क्या ये डोर, तो इसका नीचे होता है ना जो पैर रखने का फुटेज क्या पता है बाहर देखना, ये देखो ये आ गया, ये फुट रेस्ट आ गया मोटरा, वापस मैंने इसका ढक्कन बंद कर दिया,
तो फिर मैं अब गाड़ी जब ड्राइवर सीट बैठूंगा ना, देखो अंदर चला गया, अंदर चला गया ना, मैं जैसे दूर रखूँगा इससे, ये अभी रेंज रोवर है, रेंज रोवर बहुत ऑटोबायोग्राफी है, ये ऑटोबायोग्राफी है, महंगी गाड़ी है ऑटोबायोग्राफी, ये काफ़ी 3.5 करोड़ की, बाकी रेंज रोवर को तो 2.5 करोड़ की आ जाती है वैसे, ये इसके तो सब नखरे बहुत है रेंज रोवर, तो ये बाहर आ गया, ये बंद कर दिया इसका, अभी चाहे दूर हट जाऊँगा ना मैं, तो वापस इसका अंदर चला जाएगा, कौन सा फुट रेस्ट वो अंदर चला गया जी, जैसे नज़दीक आऊँगा तो ड्राइवर सीट खोलूँगा, ये देखना जी ये आ गया बाहर, रखो ऊपर चढ़ जाओ, वैसे ही आप इसको बंद करोगे गेट को, गेट बंद करते अपना आप अंदर चला जाएगा जी, सही है। तो चलो जी मैं ही चलता हूँ आज गाड़ी को, ड्राइविंग में ही करता हूँ, मज़ा आएगा फिर आपको आज गाड़ी ड्राइविंग करते हुए। और देखो इसमें भी देखो जो पूरा है ना, इसमें क्या ये फीचर्स, यहाँ पे मेनू, वॉल्यूम, यहाँ पे क्या है वो स्पीड मीटर, क्या बोलते हैं उसे, जो एक जगह स्पीड को रोक देते हैं, दिमाग से निकल गया जी बात, जो भी बात बताऊँ याद आएगा तो बताऊँगा, बहुत सारे इसमें फीचर्स हैं इसमें ना, पता नहीं क्या क्या है, स्पीड के पता नहीं, मुझे खुद को नहीं पता जी, इतने सारे फीचर्स दिए हैं, ये तो ऑटोमेटिक है तो ब्रेक, इसमें तो ब्रेक है और एक ही रेस है, ब्रेक रेस और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, तो बाकी सेम यहाँ पे तो कुछ है ना, गूगल्स वूगल्स चश्मा वश्मा रखने के लिए तो मैंने यहाँ रख रखा है, पेन वेन रखा है, एक फास्टैग रखा है, वैसे आर्मी कार्ड चलता है नहीं चलता तो फिर ये फास्टैग दिखा देता हूँ, तो पेन पून रखा हुआ है, छोटे खुले उले पैसे रखे हुए हैं, और सेम वही फीचर इधर पानी बोतल रखी हुई है नीचे, और पीछे अपन आ जाते हैं तो ये जो बता रहा था ना आपको, ये बटन दबाने से क्या इसे खुल जाता है, नीचे वाला डैशबोर्ड ऐसे ऊपर वाला खुल जाता है ऊपर दबाने से, तो अभी अपन चलते हैं थोड़ी देर में, पीछे भूपेंद्र डिग्गी खोल ली, हाँ तो भूपेंद्र आ जाता है फिर अपन चलते हैं, भूपेंद्र तू इधर आ जा बेटा, इधर आ जा तू, चला आज इधर आ जा, आज मेरे पास बाजू में आ जा, तो आज गाड़ी मैं चलाता हूँ आज, ठीक है तो गाड़ी का थोड़ा इन्जॉयमेंट लेते हैं, भूपेंद्र बैठ, तो तू बेल्ट वेल्ट लगा ले बच्चे भूपेंद्र, और मैं भी बेल्ट वेल्ट लगा लेता हूँ क्योंकि सेफ्टी जरूरी है, देखो बेल्ट क्या है जी, बहुत जरूरी सेफ्टी है, बोलते हैं बेल्ट नहीं लगाओगे तो आपके जो होते हैं ना कोई बात हो जाती है, तो फिर वो क्या बोलते हैं उसे, एयर बैग वो नहीं खुलते, लग पाते बेल्ट लग गया, मोबाइल तो पकड़, वीडियो तो बना मेरा, बनाता रहे कुछ आगे रोड का बनाते रहना, हाँ तो अपन चले जी, तो अभी अपन चल रहे हैं खाटू श्याम जी के लिए, तो आपको जो बता रहा था ना मैं खाटू श्याम जी वाली कहानी, तो ये बता दो खाटू श्याम जी के साथ में क्या हुआ, मेरे साथ में मैं आर्मी में चला गया था जब 10th 12th पास करी, और 10th 12th पास करते आर्मी में चला गया, उसके बाद में क्या हुआ मेरे साथ में, मैं आर्मी में चला, मुझे पता ही नहीं दुनियादारी में क्या होता है, न बिजनेस के बारे में पता, न लाइफ के, न जिंदगी के बारे में, क्योंकि मेरे दादाजी थे वो भी आर्मी में थे, पिताजी थे वो भी आर्मी में थे, तो जब परिवार आर्मी में था तो मैं भी आर्मी में चला गया जोश जोश के अंदर, और ऐसे करते करते मेरे को 12 साल हो गए दोस्त, और 12 साल हो गए तो मुझे ये नहीं पता दुनियादारी क्या होती है जी, मैं तो अपनी नौकरी बढ़िया कर रहा था, अच्छा मैं खुश भी था क्योंकि देश सेवा करने का मौका मिला हुआ था, सैलरी मिल रही थी, गवर्नमेंट जॉब मिल रही थी, गवर्नमेंट जॉब की तो शादी भी ठीक ठाक हो गई, सारा काम बढ़िया चलता रहा, तो 12 साल के बाद में मुझे एक इंसान मिले जिन्होंने मुझे बताया कि बेटा इससे आगे भी कोई ज़िंदगी है, इससे आगे भी कोई लाइफ है, तो मैं बोला इससे आगे क्या लाइफ है, बोले इससे आगे बहुत बड़ी लाइफ है जी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं तो कुछ तो बोला मेरे से पूछ, मैं बोला ये बिजनेस कर, मैं बोला मैं बिजनेस कैसे कर सकता हूँ, बोला क्यों नहीं कर सकता, मैं बोला मैं तो आर्मी के अंदर हूँ, बोला आर्मी में तो गलत नहीं है, आर्मी में है ठीक है, आर्मी रिटायरमेंट होने के बाद कर लेना, फिर धंधा करना बिजनेस करना, और बिजनेस नहीं करेगा तो तू एक बार देख अपने दादा को देख, अपने पिता को देख, अपने आप को देख, तूने 12 साल नौकरी हो गए सही पूछो तो ना, अरे मैंने उस दिन हिल गया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यार सब इतने 3-3 पीढ़ियाँ हो गई, दादा हो गए, दादाजी ने 22 साल की नौकरी करी, मेरे पिताजी ने 32 साल की करी, मैंने 12 साल की उस टाइम नौकरी हो चुकी थी, 2009 की बात है, 2009 के अंदर मेरी 12 साल की नौकरी हो चुकी थी, यार इतने साल हो गए नौकरियाँ करते हुए, दादा ने पिता ने मैंने, कोई ज़िंदगी में बड़ा बदलाव नहीं हुआ, गाड़ी गुड्डी कुछ आई नहीं है, तो आगे क्या होगा, तो मैंने सोचा बेटा ऐसे तो पार ना पड़े, तो फिर मैंने क्या किया जी, आर्मी की जो होती है ना टर्म कंडीशंस, यानी कि 15 साल नौकरी करना जरूरी है, मैंने एक साल और फालतू करी जी, 15 बाद में एक साल और रहने के 16 साल नौकरी करी, फिर मैंने बोला जी अब मुझे नहीं रहना, अब मुझे जाना है रिटायरमेंट होकर जाना है, अपने घर जाना है, तो मेरे जो आर्मी के अफसर थे उन्होंने समझाया कि बेटा क्या करेगा, उधर कुछ नहीं रखा इधर नौकरी करता रहे, तो मैं बोला नहीं मुझे जाना है, मुझे तो अपने बिजनेसमैन बनना है, कोई बिजनेस करूँगा, अरे बिजनेस ऐसे नहीं होता, लाइफ में बहुत बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, तो मैंने बोला जी तो आर्मी कौन सा आसान है, यहाँ भी तो स्ट्रगल करना पड़ रहा है, मुझे जाना है, मुझे बस कोई
मैंने किसी के नहीं सुने, कहने मतलब है जी मैंने किसी के नहीं सुने, मैंने तो अपना रिटायरमेंट होने की ठान लिया पक्का, रिटायरमेंट होने ठान लिया। तो फिर उन्होंने बोला भाई ठीक है भाई, उन्होंने समझाया, मैं समझा नहीं, तो बोला ठीक है भाई जा, तेरा जो दिल करता है वैसे कर। ऐसा होता है ना, अपने अपने साथ भी होता है, अपन भी किसी को समझाते हैं, बच्चे बच्चे किसी को समझाते हैं कि बेटा ऐसा मत कर ऐसा मत कर, कभी वाइफ को समझाते हैं भाई वाइफ ऐसा मत कर ऐसा मत कर, अब वाइफ नहीं मानती, बच्चे नहीं मानते, ठीक भाई तेरा जैसा दिल करे वैसा कर लो और क्या करें। ऐसा ही मेरे साथ हो गया जी, मैंने आर्मी वालों के अफसरों की बात सुनी नहीं, तो मुझे बोला ठीक है भाई जा रिटायरमेंट होके। तो 16 साल नौकरी करी, रिटायरमेंट हुआ, रिटायरमेंट होके फिर आ गया जयपुर के अंदर। अब रिटायरमेंट टाइम थी, मुझे क्या हुआ कि 12-13 लाख रुपए मिले। अब 12-13 लाख रुपए के अंदर तो मैं सोचो बिजनेस करूँ, तो बिजनेस में क्या करूँ मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा, व्यापार मुझे कुछ मिला ही नहीं ऐसा करने के लिए। चलो थोड़ा सा पानी पी लेते हैं जी, फिर आपको सुनाते आगे कहानी ना। हाँ चलो कोई बात नहीं। तो रिटायरमेंट हो गया, बोतल स्टैंड के साथ आई है ना, चलो इसे लगा दिया आपस में। ओके तो रिटायरमेंट हो गया, रिटायरमेंट होने के बाद में कोई रास्ता नहीं था तो करता क्या, तो फिर मैंने 12-13 लाख रुपये लेके घूम रहा हूँ मार्केट में, बिजनेस करूँ, कोई मुझे व्यापार मिल ही नहीं रहा कि 12-13 लाख में व्यापार कर सकूँ, कुछ ना कुछ कुछ हो सके, मेरी लाइफ में बदलाव हो सके। फिर मैंने क्या किया जी, मैंने प्रॉपर्टी वाले यहाँ पे ज्वाइनिंग कर ली, प्रॉपर्टी वाले यहाँ पे ज्वाइनिंग इसलिए कर ली कि एक आधा प्लॉट बेचूंगा उससे भी कमीशन आ जाएगा, सैलरी मिल जाएगी, इधर तनख्वाह मिल ही रही है, तनख्वाह मतलब पेंशन मिल ही रही है, उससे गुजारा हो जाएगा कुछ तो, कुछ पेंशन, कुछ सैलरी, कुछ एक आधा प्लॉट बेचेंगे। अच्छा मेरा काम सेट भी हो गया, मतलब एक आधा प्लॉट बेचता 10-20 हज़ार रुपये कमीशन वहाँ से आ जाता था, 40 हज़ार रुपये मेरी सैलरी थी, 20 हज़ार मेरी पेंशन थी, 87 हज़ार रुपये कमाने लग गया, तो मैं ठीक ठाक सेट हो गया। हालांकि बड़ा तो नहीं हुआ, बड़ा तो नहीं होने का रास्ता नहीं था, 87 हज़ार में क्या होता है महंगाई जमाने के अंदर, पर चलो यार ठीक गुजारा होता रहेगा ऐसा सोच के मैं वहाँ लग गया। पर मेरे अंदर चाहत थी कि मैं कुछ करूँ। तो हुआ चमत्कार ऐसा जी कि मेरे एक कोई जानकार थे प्रॉपर्टी सेक्टर में, उन्होंने बोला कि दिलीप जी संडे को क्या कर रहे हो, मैं बोला संडे को कुछ नहीं कर रहा, बोला खटश्याम जी जाके आ जाओ ना, आप पास गाड़ी है डिजायर गाड़ी, उस टाइम मेरे पास डिजायर गाड़ी थी, मैं आर्मी की नौकरी के दौरान ही ले ली थी, मैंने यूके नंबर थी UK07AN2288, अभी तो मेरी गाड़ी मेरा दोस्त है एक फौजी रिटायरमेंट उसको दे दी मैंने, उसको मैंने बेच दी, सेल्फ शोल्ड आउट कर दी, तो वो चला रहा है, हालांकि वो भी अपना घर का ही दोस्त है, उस घर में ही गाड़ी कोई दिक्कत नहीं है, अगर कभी अपन वापस भी लेके आ सकते हैं। तो ऊपर गाड़ी मैंने खरीदी थी नई गाड़ी, कैंटीन आर्मी कैंटीन खरीदी थी, थोड़ा सस्ता मिल जाती है आर्मी कैंटीन के अंदर। तो हाँ मैं चला गया, फिर उस संडे को चलते खट श्याम जी आपस गाड़ी, तो चलो भाई, तो उसने बोला तेल पानी हम डलवा देंगे, बोला चलो और क्या चाहिए, तेल वेल डल जाएगा और अपने घूम के आ जाएंगे, बाबा दस घूम के आ जाएंगे। तो भाई हम संडे को आगे खट श्याम जी, अब आए संडे का दिन था वहाँ पे, और हम आए खट श्याम जी दर्शन वर्शन किए, तो मैं तो भगवान को एक ही बोला कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो कोई ऐसा रास्ता दे जहाँ से मैं मेहनत कर सकूँ, कुछ बड़ा काम कर सकूँ और बड़े पहचान बना सकूँ, बस कोई रास्ते दो, मेहनत के अंदर कभी छोड़ूंगा नहीं। पता नहीं भगवान ने क्या देखा जी, भगवान ने मेरी बात सुन ली, पर कुदरती बाई लक मान लो कि मुझे हर महीने खट श्याम जाने का मौका मिल गया, वो मेरा पहला खट श्याम जी था, फिर हर महीने आने का मौका मिला और हर महीने आने का मौका मिला, इससे क्या हो गया कि कुछ कुछ लगन सी लग गई कि यार चलो चलो चलते हैं 11 साल गए ऐसे कोई खट चलते हैं। अब ऐसे पता नहीं क्या भगवान के साथ चमत्कार हुआ, पता नहीं भगवान ने कौन सा आशीर्वाद दिया, पर मैं तो आशीर्वाद ही मानता हूँ, चमत्कार ही मानता हूँ जी, कि 2014 के अंदर SDPS कंपनी का जन्म हुआ, तो मुझे आने का मौका मिल गया। SDPS कंपनी बनाने वाले डॉक्टर संजीव कुमार जी वैसे पुराने मेरे आर्मी के मित्र भी थे, तो उन्होंने मुझे मौका दे दिया कि बेटा आ जा कंपनी खोल रहे हैं। शुरू शुरू तो मुझे लगा कि यार ऐसी कंपनी अपने तो अपने बस की बात नहीं है, चल नहीं पाएगी ना अपने कुछ कर पाएंगे। फिर बोला यार दिलीप चाह क्या रहा है, चल ट्राई कर लेते हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, नौकरी तो अपनी चल ही रही है, क्या पता खट श्याम जी को आशीर्वाद दिया हो। तो चमत्कार यूँ हुआ जी कि मैं उस टाइम तो आईडी जो थी ना बनाना आता नहीं था मेरे को, तो मैंने जो मेरे मित्र थे संजीव जी आर्मी से जो कंपनी MD साहब है आज प्रेजेंट टाइम में, आज तो बहुत बड़े इंसान बन गए थे, और उस टाइम कंपनी शुरुआत थी, तब उनको मैंने बोला कि यार गुरु उस टाइम बोला गुरु जी वो IDUD कैसे बनाते हैं, IDUD बना दो, मैं खट श्याम जी मंदिर जा रहा हूँ तो मेरी ID बना के दे देना मेरे को आप, मैं आज से काम स्टार्ट करता हूँ, मैं मंदिर जा रहा हूँ। तो बोला ठीक है दिलीप तू जा मंदिर, मैं ID बनवाता हूँ कंपनी से कह के। उन्होंने पता नहीं कंपनी को फ़ोन किया, प्रियंका मैम थी AGM उस टाइम GM, मतलब प्रियंका मैम को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे ये दिलीप के नाम की ID बना देना और उसको व्हाट्सअप कर देना, पर या मुझे कर देना, संजीव सर ने ये बोल दिया। प्रियंका ने उधर ID बढ़ाई, इतने में मैं पहुंच गया खट श्याम जी, और क्या चमत्कार हुआ जी, मैं गार्ड खट श्याम जी के सीढ़ियों पर कदम रखा, उधर संजीव सर का फ़ोन आ गया कि बेटा तेरी ID तेरे को व्हाट्सअप करिए,
अब उधर मेरे खाटू श्याम जी की मूर्ति मेरे सामने थी, भगवान की फोटो मेरे सामने थी, इन सीढ़ियों में खड़ा हुआ था उधर जो मंदिर के अंदर स्टेप के ऊपर, उधर से आईडी आई व्हाट्सएप के ऊपर, मैंने आईडी देखी F3E4777 देखते हुए दिमाग में क्लिक कर गया, यार या तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। मैंने बाबा को देखा, बाबा बोला बाबा तेरे हवाले है ये ज़िंदगी, तेरे हवाले है ये रास्ता, तेरे हवाले है ये लाइफ, तेरे हवाले ये बिजनेस, कैसे करना मुझे नहीं मालूम, बस आपके दरबार में आया तो बस मुझे आपने दिया है मैं तो मानता हूँ, बस ये चमत्कार है मेरे लिए, बस मुझे काम करना, मेहनत करनी पड़े, कितनी मर्जी कर लें कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ से फिर आया, घर आया, फिर कौशन दोबारा आया, फिर अपना अगले दिन से फिर काम पे लग गया धीरे धीरे करके। तो शुरू शुरू में तो क्या था जी कि लोग सुनते थे, कोई लोग नहीं सुनते थे, क्योंकि नई नई कंपनी थी, नए नए प्रोडक्ट थे। अच्छा, हमारे पास ही गिने चुने प्रोडक्ट थे, केवल 7 ही आइटम थे कंपनी के बने हुए। अब 7 आइटम हम क्या किसी को समझाएं, दूसरा हमें नॉलेज नहीं है, ABCD पता नहीं आयुर्वेद के बारे में, हम ठहरे फौजी आदमी, AK-47 के बारे में पता है, इंसास के बारे में पता है, कार्बन के बारे में पता है, ग्रेनेड के बारे में पता है, टैंक के बारे में पता है, मिसाइल के बारे में पता है, पर हमें ये क्या पता कि आयुर्वेद क्या होता है, आयुर्वेदिक कैसे बिकता है, कैसे यूज करते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे बनते हैं, इसे हमें ABCD मालूम नहीं है। तो मैंने संजीव जी को फ़ोन लगाया, गुरु जी को, यार हमारे कोई गुरु जी थे, गुरु जी यार ये काम तो हम कर ले, पर इस बारे हमें ज्ञान ही नहीं है तो कैसे करें, लोग सुनते नहीं हमारी बातें। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली कि बेटा देख, कोई भी काम है ना, काम करने से पहले उस बारे में कुछ ही ज्ञान नहीं होता। अमिताभ को भी एक्टिंग करने से पहले एक्टिंग के बारे में ज्ञान नहीं था, सही है। MS धोनी को भी क्रिकेट खेलने से पहले क्रिकेट का ज्ञान नहीं था, सचिन को भी क्रिकेट खेलने ध्यान नहीं था, शाहरुख खान को भी एक्टिंग करने से पहले फिल्म इंडस्ट्री का ध्यान नहीं था, सही है। तो लता मंगेशकर को भी गाना गाने से पहले गाना गाने का ख्याल, मतलब पता नहीं था गाना गाना कैसे है, ऐसे कोई टीचर होता टीचर को, मतलब टीचर बनने से पहले मालूम नहीं था टीचर बनते कैसे, सबकी शुरुआत जीरो से होती है, नहीं माँ के पेट से खाली हाथ इंसान आता है, खाली माइंड आता है, फिर जैसे माहौल में रहता है वैसा सीख जाता है। तू बेटा हमारे माहौल में रहेगा तू भी सीख जाएगा, पर सीखना तेरे पे पड़ेगा। तो मैं बोला सीखना कहाँ पे, बोला एक काम कर तू उत्तराखंड आ जा 4 दिन के लिए, एक SOS ट्रेनिंग हो रही है जी। मैं उत्तराखंड पहुंच गया SOS ट्रेनिंग के अंदर, मुझे सीखना था। अब वहाँ पे कोई पैकेज था 6,000 रुपये का, मैंने वो 6,000 रुपये पे किए होटल में खाने पीने रहने वहने का, और मैं वहाँ सीखने चला गया SOS ट्रेनिंग के अंदर। उसका नाम था SOS यानी कि सीक्रेट ऑफ सक्सेस। अब वो ट्रेनिंग मैंने वहाँ से ली, लेने बाद उधर कुछ ज्ञान मिला, और ज्ञान ऐसा मिला जी कि मैं तो नौकरी छोड़ दिया अगले दिन से ही SOS से आने बाद, मुझे तो नौकरी करनी ही नहीं है। तो वो दिन था मेरे 9 अगस्त का, मैं नौकरी वोकरी छोड़ के, इधर घर वाले बोलते हैं कि नौकरी नहीं छोड़ना, ये धंधा पता नहीं चले ना चले, नौकरी तुम्हारी पक्की है, वो तुम्हें अच्छी सैलरी मिल रही है, अच्छा कोई प्लॉट वोट बेचते हो वहाँ से कमीशन आ जाता है। अब घर वाले बोलते हैं नौकरी नहीं छोड़ना, मैंने बोला नौकरी छोड़ना है, तो ऐसा ओके वो जिद्दोजहद हो गई। तो मैंने तो क्या था, फिर गुरु जी को फ़ोन लगाया, संजीव गुरु जी को, गुरु जी आप ही दर्शन दो हमें क्या करना है अभी। बोला क्या हो गया, मैं बोला यार ये काम मैं 24 घंटा करना चाहता हूँ, फुल टाइम करना चाहता हूँ, मुझे पता है बहुत बड़ा गहरा काम है, एक बार काम सेट हो गया ज़िंदगी भर की रोटी है। घर वाले मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे, घर वाले बोलते हैं नौकरी साथ साथ कर ले, पार्ट टाइम काम कर ले, मुझे करना फुल टाइम। तो संजीव गुरु जी बोलते हैं यार दिलीप तू घर वालों की बात क्यों नहीं मानता। तो मैं संजीव सर के मुँह की तरफ देख रहा हूँ कि घर वालों की बात मान, बोला हाँ घर वालों की बात माननी चाहिए। मैं बोला पार्ट टाइम काम करूँ, बोला वो बात की बात है, पहले तो घर वालों की बात माननी चाहिए। मैं बोला समझा नहीं, तो बोला फिर उन्होंने बोला तेरे को एक मैं पिक्चर का स्क्रीन वो एक वीडियो भेज रहा हूँ उसको देख पहले फिर मुझे कॉल कर। उन्होंने पिक्चर का स्क्रीन का वो भेजा, एक वीडियो भेजा, उस वीडियो देखा जी, वीडियो था कोई पिक्चर है वो भागम भाग कौन सी पिक्चर है, एक कॉमेडी पिक्चर, इतना पिक्चर में देखता नहीं तो मुझे इतना पता नहीं है कौन सी पिक्चर थी, पर पिक्चर बड़ी ज़बरदस्त थी, वो उसकी जॉनी लीवर वगैरह की थी जो भी थी, नहीं हाँ मैं इतना पिक्चर शौकीन नहीं, पर उन्होंने वीडियो भेजा मैंने देख लिया। तो वो पिक्चर है आप समझ जाओगे, वो जिसमें जॉनी लीवर होता है और रितेश देशमुख वगैरह होते हैं, तो वो हेलीकॉप्टर पुराना होता है तो उसको रितेश देशमुख वगैरह कोई जाना होता है तो जॉनी लीवर बोलता है कि भाई तू हेलीकॉप्टर में का किराया इतना लगेगा और इतना पैसा दो, तो पैसा ले लेता है। तो बोला कि ये इस हेलीकॉप्टर में बैठो, तो हेलीकॉप्टर से बोले पंखा ही नहीं है, बोले पंखा नहीं है, अरे हटा लिया कोई बात नहीं, वो जाता है कमरे से छत का पंखा उतार के जाता है। तो रितेश देशमुख बोलता है ये छत के पंख छोड़ेगा, तो बोलता है कि बावली बकरी तेरे को पता है ये छत का पंखा है, तेरे को पता है कि छत का पंखा है, मुझे पता है कि ये छत का पंखा है, इस हेलीकॉप्टर थोड़ी पता है कि छत का पंखा है, तो पंखा चलेगा तो हेलीकॉप्टर उड़ेगा। उन्हें हेलीकॉप्टर उड़ा दिया जी। तो वो बात मेरे को, मैंने वीडियो देखा वो वाला, मैंने संजीव जी को फ़ोन कर दिया, मैं को गुरु जी समझ गया। बोला क्या समझा, मैं बोला आपको पता है कि नौकरी छोड़ दी,
मेरे को पता है कि नौकरी छोड़ दी, घर वालों थोड़ी तरह नौकरी छोड़ दी, बोला समझ गया ना तू, बोला समझ गया कर देखा हूँ। मैंने सच पूछो तो मैंने वैसा ही किया जी, मैंने अपने घर से 3 किलोमीटर दूर जाके एक बेसमेंट छोड़ा ऑफिस लिया 3,000 रुपये रेंट के ऊपर। उस टाइम इतने पैसे वैसे थे नहीं जी, 3,000 रुपये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी उस टाइम, 2014 के 15 की बात करो, 15 आ गया उस टाइम पे, 2015 में 3,000 रुपये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। बोला 3,000 रुपये में बेसमेंट होता ना, बेसमेंट नीचे जो अंडरग्राउंड में, वहाँ पे वो ऑफिस लिया घर से 3-4 किलोमीटर दूर। सुबह 9 बजे वही नौकरी के लिए निकलता था और वो नौकरी वाली ड्रेस वहाँ पे डाल देता था उस बेसमेंट में, वहाँ से कोट पेंट वगैरह जो भी एक ड्रेस कोड होता है बिजनेस करने का, टाई वाई लगा के, बेल्ट वेल्ट लगा के, जूते चमका के, वो लेके पूरे दिन भर मैं बिजनेस करता था। और शाम को जैसे 5 बजते थे वाइफ बोल देता था मैं अभी फ्री हो गया हूँ, मैं पार्ट टाइम बिजनेस कर रहा हूँ, अब मैं लेट आऊँगा 1-2 घंटे, जबकि मैं सुबह 9 बजे लेकर रात को 9 बजे तक मैं बिजनेस करता था। कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे घर पहुँचता था, फिर सुबह 9 बजे निकल जाता था नौकरी का बहाना करके। तो ऐसे करके मैंने यहाँ पे स्ट्रगल किया, मेहनत करी, इस टाइम कई लोग सुनते थे कई लोग नहीं सुनते थे, पर भाई ये बताऊँ कि मैंने ना बहुत फास्ट है, यानी कि 6 महीने के अंदर तो मैं टॉप 5 बन गया था सी एस कंपनी से फुल टाइम होने के बाद। और 6 महीने में जो 1.5 लाख का चेक आया ना, तो मेरे वाइफ के पास लेके गया, ये 1.5 लाख का चेक आया, थाईलैंड का ट्रिप मिला कंपनी से, अब छोड़ दो नौकरी। तो वाइफ ने बोला ठीक है अब छोड़ दो, तो मैंने उसको बोला कि नौकरी तो मैंने पहले ही छोड़ दी थी, ठीक है अब तो मैं तभी तो फुल टाइम काम कर इतनी जल्दी फास्ट अचीवमेंट लेके आया हूँ। फिर उसने कभी रोका नहीं, फिर वो करती थी। पर आज है ना, आज देखो मैं स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर, वो भी ब्लैक डायमंड है साथ के अंदर, तो ये पावर बढ़ गई जी। तो वो सब कुछ समझदारी सब कुछ हो रही है। तो मेरा कहने का मकसद है कि ये सब चमत्कार खाटू श्याम जी का है, कि खाटू श्याम जी के दरबार में आया, उनके सामने जुड़ा, फिर मुझे एसटीपीएस बनाने का मौका मिला, फिर आईडी मिली, फिर मुझे सद्बुद्धि मिली, संजीव जैसे गुरुजी मिले, अच्छी कंपनी, अच्छे प्रोडक्ट मिले, वहाँ से सोच बदली हुई, फिर मैंने क्या किया, काम करना स्टार्ट किया, फिर अचीवमेंट आई। फिर मेरे सपना था कि यार मैंने एक्सयूवी गाड़ी लूँ, तो मैंने 2017 के अंदर पहले गाड़ी ली क्रेटा गाड़ी, इस एसटीपीएस में काम करके 11 मई 2017 को क्रेटा गाड़ी लेके आ गया मैं एसटीपीएस कंपनी से। मैंने इतनी फास्ट ग्रोथ करी, 16 लाख रुपये क्रेटा गाड़ी लेके आ गया। फिर मैंने भागा, फिर इतनी अच्छी टीम मेरे को मिल गई, रजनीश अग्रवाल जी मिल गए, जितेंद्र जी मिल गए, प्रदीप रघुवंशी मिल गए, गजेंद्र सिंह राठौड़ मिल गए, प्रदीप महाड़ा मिल गए, बसंत जी मिल गए, हरमोहन जी मिल गए, मतलब प्रताप जी मिल गए, संदीप साहू जी मिल गए, उधर मोहित शर्मा जी मिल गए, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे बहुत अच्छे लीडर मिल गए, ठीक है, प्रदीप महाड़ा और ये मतलब विश्वाल जी मिल गए, ऐसे टीम खड़ी हुई, रामधर गुजर जी मिल गए, नवल जी मिल गए, ऐसे बहुत सारे लोग मिले, मतलब आप बताऊँ आपको, मतलब तो फिर मैंने एक साल में मतलब बहुत बड़ी तरक्की कर गई इस बिजनेस से। और तरक्की करके मैंने एक साल में, यानी 17 के अंदर मैंने ली थी कौन सी क्रेटा गाड़ी, और एक साल में मैं ले ली मर्सिडीज इस कंपनी से। और भाई मर्सिडीज पे मेरे अंदर आग लग गई कि यार ये तो बहुत बड़ा काम हो सकता है यहाँ पे, और मेरे को लगी आग, फिर मेरी टीम में भी लग गई, फिर उन लोगों ने मेहनत करने लग गए, फिर हमने फिर पीछे मुड़ के देखा नहीं, फिर मैंने मतलब क्रेटा ली, फिर मैंने मर्सिडीज ली, फिर मर्सिडीज के बाद में फिर एक वाइफ की अलग गाड़ी ली, फिर मैंने क्यूड छोटी गाड़ी, फिर एक दिक्कत आती थी कि उस टाइम बच्चे स्कूल में पढ़ते थे तो उनको छोड़ने के लिए दिक्कत आती थी, तो फिर उनके लिए फिर मैंने MG हेक्टर गाड़ी ली, ठीक है। आज सारी गाड़ियाँ मेरे पास में है जी, क्यूड भी मेरे पास में है, MG हेक्टर भी मेरे पास में है, मर्सिडीज़ मेरे पास में है, हाँ क्रेटा गाड़ी मैंने बेच दी। क्रेटा क्यों बेची, क्रेटा ऑटोमेटिक नहीं थी, वो मैनुअल थी, अब सारी गाड़ी मेरे पास ऑटोमेटिक है, क्यूड से लेके MG से लेके मर्सिडीज़ से लेके रेंज रोवर वॉक तक सब ऑटोमेटिक है, बिना गियर वाली गाड़ी है, तो वो क्रेटा ऑटोमेटिक नहीं थी इसलिए मैंने बेच दी। तो फिर वो उन्हें क्रेटा बेच दी थी मैंने। और फिर भाई देखो इस चमत्कार और क्या है कि 2022 के अंदर आपके भाई ने आज इस इतनी प्यारी लग्जरी कार जो आप देख रहे हो, इतनी शानदार कार है, ये रेंज रोवर वोग ले ली, तो ये वोग जो देश का प्रधानमंत्री मोदी चलता है ये ले ली, तो ये चमत्कार नहीं तो और क्या है मेरे साथ, मेरे बताओ आप, ये सबसे बड़ा चमत्कार है मेरे जैसे एक आम इंसान के लिए। हाँ जी दोस्तों, फिर अभी हम आगे रिंगस है ना, सामने अपने रिंगस आ रहा है, और ये रिंगस जहाँ से मैंने बोला था ना आपको 17 किलोमीटर चलते हैं पैदल खाटू श्याम जी के लिए, तो वो अभी मोड़ आने वाला है, तो मोड़ अभी आपको दिखाते हैं, अभी आगे आएगा मोड़। तो अभी हम तो रेलवे ब्रिज के ऊपर पहुँचे हैं, अभी ये रेलवे ब्रिज है रिंगस का, इसके ऊपर अपनी गाड़ी चल रही है अभी प्रेजेंट टाइम में, और बड़ा ही प्यारा नज़ारा है यहाँ के ऊपर। अभी देखो अभी चलते हैं अपन, ठीक है ना, रिंगस आ गया जी, देखो ये सामने आपके मोड़ आ रहा है अभी रिंगस का। एक वो पापा का भजन है ना, क्या फ़ोन आ रहा है, ये पापा का भजन है ना आगे ऊपर, रिंगस के मोड़ पे मैं दिल हार आया, तो
वाली चीज़ है, रिंग से मोड़ आ गया यहाँ के ऊपर, बाबा का भजन स्टार्ट होता है यहाँ पे। अभी आप देखते हैं, अब यहाँ से क्या है कि अभी तो क्या है कि मेला नहीं है ना, फागुन के टाइम में वन वे कर देते हैं, गाड़ियाँ जाने देंगे नहीं अंदर की सूरत में, नहीं जाने देंगे, पूरा बैरिकेड लगा देते हैं। पर अभी तो खुल्लम खुल्ला है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी अपन अंदर जा सकते हैं। और अंदर अभी यहाँ से रिंगस, ये रिंगस मोड़ है, ये रिंगस मोड़ से देखो अभी यहाँ से भी टोल रोड स्टार्ट हो गया रिंगस का। ऊपर आपको टोल रोड दिखाई दे रहा होगा, टोल गेट का रोड दिखाई दे रहा होगा। और ये देखो ये जो सामने दिखाई दे रहा है ना आपको, ये निशान है, निशान यहाँ से क्या है ना, ये झंडा बोलते हैं, निशान बोलते हैं, बाबा को निशान बोलते हैं। यहाँ पे निशान को लेकर यहाँ से पैदल यात्री पैदल रवाना होते हैं। आगे बहुत सारे निशान की दुकानें मिलेगी, खाट श्याम जी की निशान की दुकान, निशान निशान ले लो, निशान ले लो। मेले में तो बड़ा अच्छा नज़ारा आता है जी, बड़ा शानदार नज़ारा आता है मेले का, तो वो पूछो मत, क्या गजब का बाबा का ऐसा चमत्कार होता है कि पूरी रोड लोगों से भरी होती है, हाथों में निशान होते हैं, वो झंडे से बाबा के जो होते हैं ना फ्लैग निशान से बोलते हैं, वो ऐसे लहराते रहते हैं हवा के अंदर, तो बड़ा बड़ा प्यारा नज़ारा बन जाता है यहाँ के ऊपर, तो अद्भुत नज़ारा है। देखो ये, देखो ये सब ये निशान बेचने वाले बैठे हैं यहाँ के ऊपर, ये देखो पूरा ट्रेड रोड के ऊपर निशान निशान के लगे मिलेंगे आपको, ये पूरा निशान निशान। ये देखो ये खाटू श्याम जी का आ गया बोर्ड ऊपर, देखो ऊपर खाटू श्याम जी, देखो बोर्ड आ गया ना ऊपर, खाटू श्याम जी का ये बोर्ड आ गया। और ये पुल के नीचे से ऊपर तो क्या है बाईपास निकाल दिया इन्होंने आजकल खाटू श्याम जी का रास्ते के लिए, अपन चलेंगे नीचे से, यहाँ से क्या निशान की पूजा वगैरह होती थी नीचे से, तो ये पुल के नीचे से अपन गुजरेंगे अभी। तो ये निशान की ये देखो, और पूरी मार्केट दुकानें आ गई, देखो रूम रहने वाने की व्यवस्था वगैरह सब कुछ आ गया यहाँ पे, और भी दुकानें आ गई, प्लस ये निशान की दुकानें, मेन निशान दुकानें हैं यहाँ के ऊपर, इतने सारे निशान दुकानें हैं पूछो मत। यहाँ निशान अलग, अपन तो गाड़ी में जा रहे हैं और जो पैदल यात्री है ना वो निशान लेके जाते हैं यहाँ से, तो निशान जो लेके जाते हैं उनका भी अपना अलग ही नज़ारा होता है। आगे दिखाऊंगा आपको, बहुत सारे लोग दिखाऊंगा कि आगे पैदल यात्री जा रहे हैं, निशान लेके जा रहे हैं, वो आपको मिलेंगे निशान लेके जाते हैं। ये देखो ये 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 है मेन जो है कि रास्ता इसका खाटू श्याम जी का। यहाँ पर देखो निशान के, निशान की दुकानें दुकानें आपको दिखाई दे रही है, ये प्रो की निशान दुकानें दुकानें हैं। और सामने ये जो है कि खाटू श्याम जी, यहाँ से 17 किलोमीटर है रोड, रोड है 17 किलोमीटर की, 17 किलोमीटर रोड है कोई आगे खाटू श्याम, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी मेले के टाइम पे यहाँ पे जिग जैग कर देते हैं तो जिग जैग कर देते अलग चीज़ है, अभी तो अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी तो यहाँ पे चल रहा है खाटू श्याम जी का ना। तो ये जो पुल दिखाई दे रहा है ना आपको, इस पुल के उस पार जो है निशान की पूजा होने की जगह है, वो बाबा का मंदिर है छोटा सा, वहाँ पे निशान की पूजा होती है, और पूजा करके फिर यहाँ से फिर हाथ में वो निशान को लेके और फिर पैदल पैदल आते चलते हैं। ये देखो ये गाड़ी यूपी से आई हुई, देखो यूपी से चल के गाड़ी आई है, ये निशान इस पर लगा हुआ, ऊपर आगे देखो गाड़ी टका हुआ निशान है, लोग गाड़ी टाँग के भी निशान आते हैं, ये आपको मिलेंगे रास्ते में, देखो पैदल ये पूरी। अब यहाँ से ये है रिंगस स्टार्ट, मेन जो रोड है ये यहाँ से स्टार्ट है। अब यहाँ से जो मेन रोड स्टार्ट है, अब आप देखना यहाँ के ऊपर कितने लोग हमें मिलेंगे रास्ते के अंदर निशान ले जाते हुए। ये देखो ये पैदल यात्री जा रहे हैं, देखो निशान लेके जाते हुए, ये देखो ये पैदल यात्री जा रहे हैं। और ये देखो आपको और दिखाता हूँ आगे, देखो ये लेडीज वो जा रही है, बहुत मिलेंगे। अभी तो क्या है कि मतलब वो मेले वाला टाइम नहीं है, नॉर्मल बिल्कुल नॉर्मल टाइम है, तब ये पैदल जब जा रहे हैं यात्री। देखो अगर मेले का टाइम हो गाड़ी आ ही नहीं सकती इस रोड के ऊपर, तो किसी सूरत में गाड़ी नहीं आ सकती, गाड़ी छोड़ो बाइक भी नहीं आ सकती इस रोड के ऊपर, तो पूरी रोड पे दोनों साइडों में कहीं उधर से गाड़ी, सामने से गाड़ी भी नहीं आ सकती, बाइक भी नहीं आ सकती, पूरी रोड के ऊपर ओनली फॉर पैदल यात्री रहेंगे 70 किलोमीटर। कम से कम वो 10 दिन का मेला होता है फागुन में, होली से पहले की बात होती है, तो उस टाइम 11 के टाइम के ऊपर बात, ये तो फुल पैक होता है। अभी खाटू श्याम जी रवाना हो गए, ये देखो निशान लेके जा रहे हैं भाई। हमने गाड़ी तो उधर पार्किंग में लगाई दी थी, आप बताइए कि गाड़ी तो आगे आने दी नहीं, पार्किंग में खड़ी करा दी इन लोगों ने, पर कोई टेंशन वाली बात नहीं वैसे तो, क्योंकि मंदिर जो है अपने बिल्कुल सामने ही है और मंदिर के पास ही अपन आ गए जय श्री श्याम। और यहाँ पे देखो ये बहन है तो लगाई दी सिर्फ अपने लगा देता हूँ, लगा ठीक है लगा देता चल शाबाश। तो ये बच्चे ने यहाँ पे क्या है कि तिलक विलक लगा दिया, अब खाटू दरबार में आए हैं। ये तोरण द्वार है, तोरण द्वार में आ गए।
लो जी, ये आगे अपन तोरण द्वार और ये खाटू श्याम जी का तोरण द्वार है। यहाँ पे साइडों में पार्किंग वार्किंग बनी हुई है और तोरण द्वार पे हम पहुँच चुके हैं और तोरण द्वार का नज़ारा दिखा रहे हैं। आप तोरण द्वार पे कोई कोशिश रहेगी आप प्रसन्न दर्शन कराने की ब्याज। ठीक है, यहाँ भी निशान है ना, निशान यहाँ भी निशान जो है कि बिक रहे हैं, निशान है यहाँ के ऊपर और रहता हूँ द्वारा आ गया। भाई है ना, भाई ये लेट के जा रहा, देखो बाबा के दरबार में मतलब यहाँ पे ये जो ब्रेक करता हूँ कहाँ कहाँ से कितने लोग अभी आते हैं और लेट के लोग आते हैं। चमत्कार देखो, मेरा ऐसा आप पता है ना लक्की नंबर 7 होता है हमेशा, तो मैंने अभी गुलाब वाला मिला मेरे को, मैंने बोला भाई मेरे को गुलाब चाहिए तो तेरे गुलाब दे दे। बोला बोला कितने चाहिए, मैं बोला सारे दे जितने तेरे पास में, तूने सारे दे दिए भाई। मैंने काउंटिंग करी 17 गुलाब निकले तेरे बाबा दरबार में, 17 गुलाब भाई मेरा लक्की नंबर। तो जय श्री श्याम बाबा, जय श्री श्याम। ये है बाबा चमत्कार देखो, मैंने तो सारे गुलाब मांगे उससे पर लक्की नंबर 7 निकला, तो ये हुआ ना चमत्कार। इसलिए मेरे सारी गाड़ियों के नंबर 7700 है, तो ये चमत्कार से कम नहीं है। 7 आता है मेरे लिए भी होगा, तो ये चमत्कार है बाबा का आशीर्वाद।